सॉरी थोड़ा लेट हो गया, पर मैं सोच रहा था कि अच्छा लग रहा है। और ये किस लिए है? ये घर है। और ये है केट। बैठ जाओ डरे। तुम कुछ सोच रहे हो? हाँ, ठीक है। तो बात यह है कि हमेशा से चार लड़कियां रह रही हैं। पहले लगा कि ये काफी अच्छी बात है, केट के लिए चार लड़कियां, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी खूबसूरत शक्लें याद आ गई। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बोर हो, लेकिन पहला खून मैं करूंगा, ये याद रहे। बस यही एक चेंज है। तो मैं उनके जश्न के रंग को फीका करने जाऊंगा करीब 10 या 10:30 बजे, जब वो शैंपेन के नशे में डूबे हुए होंगे, बिल्कुल बुरी तरह, बिल्कुल मजे कर रहे होंगे। उनमें से जो सबसे लंबी वाली होगी उसको प्यास लगेगी, उसको पानी की जरूरत पड़ेगी। मैं उस जगह को अपने आप से भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ और मैं उस फ्रिज में आराम से फिट हो जाऊंगा। नहीं माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब है ये गलत है, तुम्हारा प्लान बहुत ही गलत है, ये जो मॉडल है वो भी गलत है। मॉडल बस इफेक्ट के लिए था जीबी, मैंने ये तोड़ दिया है। तुम्हारे पास कोई बड़ी आइडिया है? देखो जरा, हो सकता है, ध्यान से सुनो, जिमी का प्लान। ठीक है, मेरे पास इससे बेहतर आइडिया नहीं है। खुशोब, देखो मुझे पता है मैंने पहले भी ये कहा है, लेकिन इसे एक बार फिर से सुन लो। इस पूरे मामले को लेके मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या किसी और को भी लग रहा है? ठीक है, फिर मैं अकेला हूँ। डैड, मुझे चिंता है क्रिपलिंग कॉस्मिक की। हम प्रोफेशनल से डील कर रहे हैं। ये लोग तो हमारे परिवार का क्या नाम होगा? मतलब किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। एक बात तुम सब जान लो कि ये जिंदगी भर हम सब के पीछे पड़ा रहेगा। क्या तुम में से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा? कर्मा, क्या तुम लोग कर्मा के बारे में जानते भी हो? जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो वो हमारे साथ भी होगा, और जब हमारे साथ बुरा होगा, जो कि होना ही है, तब हम में से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि कर्मा हमारे पीछे होगा, और उस वक्त हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हम अपनी मदद के लिए खुद भी तैयार नहीं होंगे। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी। जब तुम बोलते हो तब तो कोई बीच में नहीं बोलता, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम भी बोल रहे हो। क्या कहना चाहते हो? बोलो बोलो। करवाने के लिए मुझे कोई प्राइज, ऐसी बकवास चीज करने के लिए तुम्हें कोई प्राइज नहीं मिलने वाला, समझे? चुप रहो। हम सब एक ही टीम में हैं, तो शांत रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये होने वाला है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्रिएटिव बनो, मुझे रेड लॉबस्टर ले चलो। ठीक है, मैं टेबल बुक कर लेता। क्या सच में ये हमारी पहली डेट होगी और तुम मुझे रेड लॉबस्टर ले चलोगे? क्या तुम सच में मुझे एक डेट के लिए पूछ रहे हो? डूड, कुछ तो कहो, मुझसे यही पूछ लो कि मुझे क्या खाना पसंद है और मैं चलने के लिए कब फ्री हूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर। तो फिर तुम कब फ्री हो? अगले वीकेंड। अगले वीकेंड? हाँ क्यों नहीं, हम चल सकते हैं। हाँ ग्रेट। अब वैसे तुम कल के दिन क्या कर रही हो? कल हैलोवीन है। हाँ बिल्कुल,
मजा आएगा, है ना? मुझे ऐसी जोकर बनकर जाने वाली पार्टीज पसंद नहीं है, और हेलोवीन तो उसी के लिए जाना जाता है, और उस दिन तो चुड़ैल और भूत बनकर जाना होता है, जिसका लॉजिक मुझे पता नहीं। हाँ वैसे, मगर तुम अगर जाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले वीकेंड चलेंगे। ठीक है, और तुम डिसाइड करोगे कहाँ जाना है? अगर ऐसा है तो हम जाएंगे रेड लॉबस्टर। परफेक्ट। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उनके रोल्स वाकई लाजवाब होते हैं। बात तो सही कही तुमने, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। ठीक है तो बाय। तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज का दिन काफी अच्छा था। आई होप तुमने उसके लिए अच्छा गिफ्ट खरीदा होगा। डैड प्लीज, हम बात कर चुके हैं। तुम्हारे बहन की शादी हो रही है केट? मेरे कुछ प्लान्स हैं। रियली? कैसे प्लान्स? खुलकर बताओ। मैं ट्रेड से मिलने जा रही हूँ। ओके, ये ट्रेंट कौन है? वो मेरे ऑफिस में काम करता है, कुछ वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं। और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं उसी के ही बारे में सोच रही थी, और कल हैलोवीन है तो। ओ बढ़िया, हैलोवीन। ये उसका पसंदीदा त्योहार है। इन बातों के लिए जिंदगी पड़ी है बेटी, कल तुम्हारे बहन की शादी है, और शादी एक बार होती है। काफी भरोसा है आपको? एनजी को तुम्हारी जरूरत है कल। डैड मैं अपनी फैमिली को इस तरह टूटते नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटियों को एक साथ देखूं। उसे भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए डैड। उसने तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजा है? ठीक है जाना, तुम जो चाहती हो वही करो। ठीक है डैड। डैड मैं थक गया हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वाकई मैं थक गया हूं। आई लव यू डैड। आई लव यू टू। लेकिन बेटा अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। केट ज्यादा कुछ नहीं तो उसके लिए तोहफा ले आओ। हाय, क्या हुआ था?
शायद यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओ, अजीब बात है। हाय। हाय। कल तुम आ रही हो ना? हाँ। ओ, मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ और काफी एक्साइटेड भी, केट। हाँ, तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? हम तुम्हें कल पिक कर लेंगे। मुझे पता था कि तुम आओगी, पता था मुझे। विश्वास नहीं होता तुम्हारी शादी हो रही है। विश्वास कर लो, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम है और काफी मजाकिया भी, जो शायद तुम्हें पसंद आ जाए। हम कल तुम्हें 11 बजे पिक कर लेंगे। मैं इंतजार करूंगी। कल मिलते हैं 11 बजे। परफेक्ट। बाय बाय। आह, पॉइजन। ओके, अब हम इसे डाल रहे हैं शैंपेन की बोतल में। जब वो बोतल्स खोलेंगी तो मजा आएगा। टाटा। ओके, लेकिन हम बोतल के कॉक को वापस कैसे सेट करेंगे? मैंने फिर से खराब नहीं, नहीं कुछ भी खराब नहीं हुआ। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना, अभी तो प्लान बन रहा है। तो ठीक है, अगर प्लान बन रहा है तो हम ये लेते हैं। तुम्हें ये कहां से मिला? मैं लूसी को इससे ही दवाई देता हूं। हमारी बिल्ली को डायबिटीज है। हाँ, 7 सालों से, दिन में 3 बार देता हूं। अब हमें पॉइजन को लेना है और उसमें लगाना है। पॉइजन अंदर जाएगा, इस तरह हमें कॉर्क निकालनी नहीं पड़ेगी। पॉइजन अंदर जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, क्या मैं इसे 1 सेकंड के लिए देख सकता हूँ? तुम्हें लगता नहीं ये बहुत? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तुमने अभी अभी प्लान बनाने को कहा। Okay. मैंने बना दिया। देखो, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसका कॉर्क भी ना हटे और जो गोल्डन ट्रैपिंग है वो भी ना खराब हो और हमारा काम भी हो जाए बिना किसी मुश्किल के? बात हाँ, बोलो। वाकई में डैड, क्या उस दिन मेरी वजह से शर्मिंदा हो गए थे जब मैं उस दिन मीटिंग में रो रहा था? तुम डैड की फिक्र मत करो, वो तुमसे शर्मिंदा नहीं है, ठीक है? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं किसी को मरते भी नहीं देख सकता। लोग आज अपनी जिंदगी से पहले से परेशान है, पता है ना तुम्हें? वेल, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम अभी इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, क्योंकि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचे, ना कि नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सबसे फट्टू सोल्जर को आगे नहीं भेजा जाता, ठीक है? हाँ, शायद तुम ठीक। मुझे इस वक्त कोई ऐसा चाहिए जो ये बताए कि पॉइजन को शैंपेन में कैसे डालें। शायद ये तुम कर सकते हो। सच में मुझ में वो काबिलियत है? क्या मैं कर सकता हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है? तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ऑलराइट, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम ये कैसे करेंगे? आइडिया मिल गया। तो फिर बताओ। मैं क्रिस्टीन को बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। सोच रहा है? हाँ, ठीक है। राइट, तो मैं ऐसा ही करूंगा। कागज का शेर। ओके, चलो क्रिस्टीन को फोन करते हैं। मैंने तुम्हें देख लिया। ओके, बस मुझे मार डालोगी। विश्वास नहीं हो रहा। हाय हाय, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, अजीब बात है। तुम भी पहले की तरह ही दिख रही हो। अरे, इनसे तो मिलवाए नहीं। हाय, मैं सरा हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। और ये मेल है, मिलकर खुशी हुई। काफी हट्टी कट्टी हो तुम। कल तुम 11 बजे के बारे में क्या कह रही थी? तुम जल्दी आ गई हो। 10:45 हो रहे हैं, 11 के आसपास ही है। दरअसल मुझे थोड़ी पैकिंग करनी थी, तो क्या तुम थोड़ा इंतजार करोगी? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, केट। वाओ। ओह, अच्छी है ना? ये बहुत सुंदर है। वो तो है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ओके, वन सेक। ओके, आप किस
सूटकेस में कोई दिक्कत है क्या? अजीब सी आवाज आ रही है। हाँ, इसका विल टूट गया है। ये तो ऑनलाइन $20 में मिल जाएंगे। जानती हूँ, मगर इससे कुछ यादें जुड़ी हैं। क्या ये नाइग्रा फॉल्स वाला ही है ना? हाँ, सही पहचाना। क्या ये सड़ा सा सूटकेस वाटरफॉल में गिरा था? नहीं, अगर ये गिरा होता तो सिर्फ व्हील्स नहीं, और भी चीजें टूटती। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये उस फॉल में गिरा होता तो शायद ये इतनी अच्छी हालत में नहीं होता। काफी समझदार हो गई हो सारा। दरअसल इसे एक घोड़ा गाड़ी पे रखा गया था, उसे रोकते ही सामान गिर गया। मगर वो यादगार ट्रिप थी। मैं मदद करती हूँ। थैंक यू। अगर गाड़ी में हल्की सी भी सिगरेट की बदबू आई तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। Okay. तो फिर तुम हर 100 मील्स के बाद या 2 घंटों में गाड़ी रोकोगी। मैं आगे बैठूंगी। मैं चाहती हूँ कि केट आगे बैठ जाए और हम एक बार भी नहीं रुकेंगे रास्ते में। क्या बेकार गाना है? मुझे ये गाना पसंद आया। केट, केट, जिंदगी कैसी है? जिंदगी कैसे चल रही है? मैं खुश हूँ। अभी उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हो? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? फेसबुक। हाँ, रिन्यूएबल है ना? हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी। काफी दिलचस्प लगता है। मेरे हस्बैंड और मैंने कुछ ही दिनों पहले सोलर पैनल्स लगाए अपनी छत पर। कितना अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड बोलना। सोलर पैनल्स अलग होते हैं, पर अच्छा काम किया। लेकिन वो लगभग दोनों एक ही होते हैं ना, सोलर या व्हाटएवर। हाँ। क्या कोई रिन्यूएबल इंसान मिला जो तुम्हें पसंद आया हो? हाँ हाँ, एक दो। एक दो? कौन कौन? दरअसल कोई भी नहीं। अच्छा, ठीक है। वैसे एक लड़का है और वो बहुत अच्छा है। मैं उसे सरप्राइज करना चाहती थी आज हैलोवीन के दिन, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। मगर मेरी शादी जिंदगी में एक बार। सही कहा तुमने। हे गाइस, क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? ये कोई फिल्म नहीं है सारा। शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। गाड़ी भी तो 100 साल पुरानी लग रही है। हाँ, सही कहा। मैं बेवजह शक कर रही हूँ। वैसे तुम दोनों एंजी को कैसे जानते हो? काम। तुम दोनों? हाँ, एंजी इंग्लिश पढ़ाती है और हर कोई उससे प्यार करता है। मैं मैथ्स टीचर हूँ जो बहुत बोरिंग है, पर कोई बात नहीं। मेल शॉप टीचर है जो उसको होना ही था। बड़े स्कूल के बच्चों के नखरे कुछ ज्यादा ही होते हैं, इसलिए मैं भी आराम करती हूँ और वो। लेकिन एक टीचर का काम होता है बच्चों को सिखाना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, काम ही तो है। मैं अच्छे गाने सुनती हूँ, कभी कभार पी लेती हूँ। वो अमीर बच्चे कोशिश करते हैं कटिंग बोर्ड बनाने की। मुझे तो वो सब्जेक्ट काफी पसंद था और मेरी टीचर ने उसे और इंटरेस्टिंग बना दिया था। मेरे स्टूडेंट्स तो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं मैं उन्हें सिर्फ 15 मिनट का होमवर्क दूं। और हमें हर साल एक मेमो मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम बच्चों के टैलेंट को बेकार ना जाने दें और उन्हें इनकरेज करें। तुमने तो मेमो याद कर लिया। मैंने उसे बहुत बार पढ़ा है, मुझे विश्वास नहीं होता। बच्चों को मेरी क्लास पसंद आती है क्योंकि तुम हो ही ऑसम। ऑसम एंजी। क्या क्या कहा? उसी से पूछो। ऑसम एंजी। हम हर स्टूडेंट को एक नाम देते हैं जिससे उसका नाम आसानी से याद रहे, तो टीचर्स का नाम ना होना अनफेयर होगा। हम काफी आसान नाम देते हैं, जैसे कि ऑसम एंजी या ब्यूटीफुल सारा। और तुम्हारा नाम? आंटी मेला। वाह। अरे हाँ, और तुम्हारा क्या होगा? अरे नहीं, मेरा अच्छा है। कूल केट। और तुम तो सच में कूल हो, है ना? इसका नाम है केट विद द के। हे, वो गाड़ी इतने धीरे धीरे क्यों चला रहा है? हमें देखने के लिए। हाय। ये अजीब है, हमें चलना चाहिए। Thank you.
क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई? नहीं, बस नजारा एंजॉय कर रहे थे। क्या हम चले यहाँ से? तुम्हें सच में मदद नहीं चाहिए? क्योंकि पास में ही एक मैकेनिक है, खाने और रहने की भी जगह है। हमारी गाड़ी ठीक है, देखा? चार लड़कियां, वो भी अकेली, जरा संभल कर रहना। शुक्रिया। अमेजिंग है। ये जगह कितने में मिली? मैं $75 एक रात का, 3 bathrooms, 2 bedrooms और साथ में एक बार। अच्छा हुआ हमने होटल बुक नहीं किया। हाँ, वो जगह कितनी वाहियात थी, उसकी तो तस्वीर भी मिली बेकार थी। BNB ऐप से मैंने पूरे वीकेंड का प्लान बना लिया है। हम पहले हाइकिंग पे जाएंगे और फिर पिकनिक पे, और मैं अपने साथ 6 board games लाई। लगता है हम मजे करने वाले हैं। नहीं, हम वीकेंड बोर्ड गेम्स खेलते हुए नहीं बिताएंगे। मेरे पास वाइन की बॉटल्स है, यहाँ पर भी बहुत कुछ है, अब इसमें सोचने की कोई बात नहीं। अच्छा, हम थोड़ा आराम से कर सकते हैं, मैल और तुम भी सारा। क्यों? क्योंकि मैं अपना कल का दिन तुम्हारी उल्टियाँ साफ करते करते नहीं बिताना चाहती। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम कोशिश करेंगे कुछ उल्टा सीधा ना करें। और मैं अपना लास्ट प्लान तो बताना ही भूल गई, नो फोन्स। काफी अच्छा प्लान है सारा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने मुझे फोन किया तो? तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने वाली हो। मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, मजाक कर रही हो ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ट्रिक क्वेश्चन है क्या? चलो भी, हम यहाँ साथ में अपना टाइम बिताने आए हैं। हाँ, मगर मैं फोन के बिना गलतियाँ कैसे करूँगी पीने के बाद? वही तो एक अच्छी चीज होती है हैंगओवर के वक्त, सुबह पता लगाना कि रात भर क्या किया है, उसी में तो मजा है ना। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ओके फाइन, मैं पहले ये पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं लगा था कि ये मान जाएगी। पता है, असली बैचलर पार्टी ऐसी होनी चाहिए, एकदम सुकून से, आराम से। हाँ, मगर चिपकल की पूरी फौज को ये मत बता देना, क्योंकि वो बाद में आने वाले। ओके ग्रेट। मैंने उन्हें वेगस में देखा था। सच में वो यहाँ आने वाले हैं? क्या सब ठीक है? हाँ, मैंने पढ़ा है कि मास्टर बेडरूम नीचे जाकर बाएं तरफ है, तो कौन लेगा वो बेडरूम? मैं और केट मास्टर बेडरूम में रहेंगे और तुम दोनों यहाँ रह लेना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, सही कहा। Thank you.
तो हम यहाँ बस एक रात के लिए हैं। हाँ सही कहा। तुम सारा सामान निकाल कर रखोगी तो रीपैक करने में टाइम लगेगा। मुझे सूटकेस में रखना पसंद नहीं। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ कपड़े निकालने का कोई मतलब नहीं है। एयरबीएनबी में होने का मतलब घर से दूर होकर भी घर जैसा माहौल हो। नहीं, ये बस एक सस्ती जगह है एक रात बिताने के लिए। Bakwas. It'll only be a night. I already told you, mister. We ain't got no rooms available for your people. Wait, wait! Keep it the shame. Bakwas. Hello? Jimmy, is that you? Stupid. It was only 3 weeks ago when rideshare driver Robert Waldman molested 16-year-old Nancy Connors. Waldman took the stand today in what is a ruling case. ये दरिंदे कहाँ से पैदा होते हैं? तुम्हें पता है इनके साथ क्या होना चाहिए? ऐसे इंसानों को रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ देना चाहिए। तुम्हें इतना वायलेंट क्यों बनना होता है? मैं वायलेंट नहीं हूँ, मैं तो किसी और से करने के लिए कह रही हूँ। He was 100 and dolphin years, of course. Oh, Steve, you're too much. Stay tuned for information on memorial services planned across Southern California and for the national. नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. ये सब अपने आप में ही एक मज़ाक है. और शायद हमारे पास हमें बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ है. आहा, करेक्ट. अच्छा याद दिलाया. मेरा प्लान है कि हम पहले इसे खत्म करें, फिर वाइन. क्या मैं उन दोनों को भी पूछ कर आऊं? नहीं, मैं जानती हूँ कि उसकी कूल बहन ये सब नहीं करेगी. हाँ, और वो दोनों बातों में बिजी होंगी. है, सुनो, लाइटर है? ये घर मुझे बहुत पसंद आया. हाँ, ये काफी अच्छा है. तो एंजी, डिलन कैसा है? उसका नाम डारन है. वो अच्छा है और ठीक भी है, और मैं बहुत खुश हूँ. सुनकर खुशी हुई. दरअसल वो थोड़ा सा, हमें 2 साल हुए हैं साथ में, और अब मुझे लगने लगा है कि वो थोड़ा सा चिपकू है. हाँ, हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, पर कोई बात नहीं. हाँ, मगर वो पिछले महीने ही ग्रेजुएट हुआ है डॉक्टरेट में, और वो मुझ पर चिल्लाने लगा क्योंकि मैं उसकी सेरेमनी छोड़कर आ गई थी. तुम उसकी सेरेमनी छोड़कर आ गई? एंजी, ये छोटी मोटी बात नहीं है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे तो वहाँ जाने का भी मन नहीं था. उसकी सेरेमनी फ्लोरिडा में थी, वो भी इतनी गर्मी में, और जो होस्ट था उसकी आवाज तो मेरे कानों में चुभ रही थी, बिल्कुल हमारी आंट पॉला जैसे. उसकी आवाज मुझसे झेली नहीं जा रही थी. और डेरन की माँ, वो एक बहुत अच्छी इंसान है, मगर वो बिना मतलब का ही रोती रहती हैं. मेरी तो ऐसी हालत है कि मानो हम किसी फ्लाइट में हो और मेरा बच्चा रो ही जा रहा है, लेकिन उस बच्चे को कोई कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि उसकी माँ को ताने दे रहे हैं. उसकी डैड से तो कोई मतलब ही नहीं होता है. डेरन शांत ही नहीं हो रहा था, मेरे जाने की बात किए जा रहा था. उसने मुझसे कहा, मैंने स्कूल में इतना सहा, लेकिन तुम मेरी इज्जत ही नहीं करती हो. तुम जिससे प्यार करती हो उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? वो काफी ड्रामा करता है. और मैंने उसको कहा कि डार्लिंग, मेरे अंदर इतनी गर्मी, तुम्हारी माँ का रोना, और साथ में आंट पॉला जैसी आवाज सुनने की हिम्मत नहीं हो रही थी. वो समझ ही नहीं रहा था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं. उसका बचपना कभी कभी जाता ही नहीं. वाओ, क्या क्या वो दिन सच में इतना बुरा था? तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम तो वहां थी भी नहीं, तुम्हें कैसे पता? शायद तुमने जो इतना ड्रामा करके बताया है वो इतना दर्दनाक भी नहीं होगा. ग्रेजुएशन डे जरूरी होता है एंजी, और ये ऐसे रीजंस नहीं दे सकती तुम. आशा करती हूँ तुमने माफी मांगी होगी. मगर किस लिए?
क्या तुमने मेरी कहानी सुनी भी ढंग से? हाँ, मैंने सुनी और मुझे लगता है तुमने जो भी बताया वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं कितना चाहती थी कि तुम मेरी इस पार्टी में आओ, अब मैंने इरादा बदल दिया। हाँ हाँ बोलो। तुम कम से कम मैं आई तो सही, अब मुझे बताओ पिछले 5 साल तुम कहाँ थी? कम ऑन केट, डेरन। ओ नहीं, तुमने कहा तुम उसके साथ सिर्फ पिछले 2 साल से हो, बाकी के 3 सालों का क्या? ओके, क्या हुआ? 2 सेकंड पहले तो सब कुछ ठीक था। क्या हम इस वीकेंड सिर्फ मजा नहीं कर सकते? मैं कोशिश कर रही हूं। थोड़ी और करो। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या हम ये ले सकते हैं? अपनी ड्रिंक्स खत्म करने से पहले क्यों ना हम उनकी करें, और ये बॉटल्स महंगी है, बिलीव मी। अच्छा आइडिया लग रहा है। ये लो। शुक्रिया। ये लो मेरी जान। ओ नहीं, मैं नहीं पीती। हमारे लिए अच्छा ही है। चीयर्स। चीयर्स। हे, मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं जो मुझे परेशान कर रही है? बोल भी दो अब। क्या तुम्हें लगता है कोई इस जंगल में रहना पसंद करता होगा? हाँ, शायद रोमियो जूलियट जैसे लोग। नहीं, आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल रोमियो जूलियट जैसे लोग मिलना मुश्किल है, खासकर रोमियो जैसे। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्सास आना पसंद करता होगा। यहाँ वही लोग आते होंगे जिनकी सच में कोई मजबूरी होगी, और वो लोग भी जो यहाँ के रहने वाले हैं। नहीं, वो लोग भी नहीं, उन्हें भी यहाँ से निकलने का इंतजार होगा। सही कहा, मैं भी उन बच्चों में से थी जो अपने घर से भाग जाना चाहती थी। बात तो सही कही तुमने। क्या कहा केट? नहीं कुछ नहीं। नहीं, शायद तुम कुछ बोलने वाली थी। नहीं, मुझे समझ आ गया। खड़ू स्केट। और इसका अजीब सा स्वेटर। पर मुझे ये पसंद है। मुझे नहीं लगता खड़ूस तुम्हारे लिए सही नाम है। इसका टेस्ट काफी अलग है। लगता है इसे काफी टाइम से रखा है, पर मुझे तो हर तरह की चलती है। और मुझे भी। मेरे पेट में कुछ हो रहा है। हिम्मत रखो। हाँ क्यों नहीं, मगर मुझे कुछ खा लेना चाहिए। मुझे मत भूलना, पिज्जा वाला अब तक आया क्यों नहीं? बाथरूम में शायद दवाई रखी हो। अरे नहीं नहीं, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम उन लोगों में से हो जो दवाई नहीं खाती? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। हाँ मतलब तुम ऐसी दवाइयाँ अपने घर के सारे कोनों में रखो, गाड़ियों में रखो, ऑफिस में रखो, पर इस्तेमाल मत करो। तो साइंटिस्ट ने इतनी अच्छी चीजें बनाई हैं हमारे लिए और तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे? नहीं, मैं बस इतना कह, जब भी मुझे पेट दर्द होता है और मैं दवाई लेती हूँ मुझे बेहतर लगता है, मगर तुम ऐसी हरकतें करती हो कि मुझे समझ ही नहीं आता। जब उस बीमारी का इलाज है तो तुम उसे लेती क्यों नहीं? ओके, पर तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। माफ करना, ये सुनकर मैं पागल हो रही हूँ, मगर ठीक है। ओह नो, मुझे समझ आया कि उस दवाई को बाथरूम में क्यों लेते हैं। पेट दर्द, पेट साफ। हाँ मैं समझ गई। ठीक है, मैं जरा घर देख कर आती हूँ। मैं एक साथ नहीं पीती, ये बहुत अजीब है। काफी अजीब।
तेरे की। हाय। हे। हे। तुमने अपना मास्क क्यों नहीं पहना? हम उन्हें मारने वाले हैं। ये घर तुम्हारे डैड का है जिसमें कैमरा नहीं है। वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट है। वो उल्लू का पट्टा टेरी का है। अरे नहीं नहीं टेरी, शायद वक्त हो गया है। टेरी का वक्त है, हम सब तो उसी के हिसाब से चलते हैं। बकवास मत करो, नीचे नहीं गए हो अभी। हमें ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने शैंपेन पी भी है या नहीं। हमें चलना चाहिए, हमें अभी चलना होगा। सही कहा तुमने। जरा सुनो गर्ल्स, मैंने अभी कुछ अजीब सा देखा। क्या तुमने खुद की शक्ल देख ली? बस करो मैल। शायद यहाँ पर कोई है। मैंने दरवाजे के पास मैले जूतों के निशान देखे। क्या कहा? अरे नहीं, वो बस बच्चे होंगे। मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतनी जल्दी पहाड़ चढ़कर यहाँ तक आएंगे। मैं तो बचपन में अपने अंकल के हर बात मानती थी चॉकलेट के लिए। अरे नहीं। ओके 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 वेट। तो तुम कह रही हो कि घर के बाहर किसी के जूतों के निशान है? हाँ। ओके ओके, अब मुझे सच में डर लग रहा है। लेकिन आज हैलोवीन है, वो बस तुम्हें डरा रही है। नहीं, मुझे हैलोवीन पसंद भी नहीं है। एंजी बताओ इन्हें। यहाँ कोई नहीं है केट। अच्छा रुको, चलो दिखाओ हमें। पता नहीं ये क्या कर रही है। चलो, तुम मजाक नहीं कर रही? मैंने कहा था ना गर्ल्स, कौन हो सकता है? गर्ल्स, क्या तुम ठीक हो? अब मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? ओके, सब चिल करो, वो तुम्हें डरा रही है। अगर ये ऐसा नहीं वो कर रही है, मजाक कर रही है क्योंकि हैलोवीन है। लेकिन मैं ऐसा भद्दा मजाक क्यों करूंगी? शायद तुम्हें हमें डराकर मजा आ रहा है। तुमने ज्यादा पी ली है मेल, हम सब ने वो फुटप्रिंट देखे। क्या पता अगर वो ओनर हो और अंदर आना चाहता हो। लेकिन ओनर के पास तो चाबी होगी। ये कब से बकवास कर रही है? ऐसे बात मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, वो तुम्हें उदास करना चाहती है। वो तुमसे जलती है। मैं तुमसे नहीं जलती। नहीं, सैरा की बहन के साथ भी यही हुआ था, अब वो तुम्हारी पार्टी भी खराब करेगी। बोलो ना कि मेलनी, अब बस करो। मेरी बात सुनो मेल, मैं यहाँ कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती। मैं तुमसे अलग हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन हम सब ने वो बाहर देखा है। यहाँ पर कोई है? कोई है यहाँ? हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ नहीं रुक सकते। सच में क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि हम अकेले हैं? मैल, ऐसा मत करो। क्या मत करो? जैसा कि मैंने कहा था। ये क्या हो गया? Oh my God, केट, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। ये हमें मार डालेंगे। तुम क्या चाहती हो? बेवकूफ। केट चलो। तुम अंदर नहीं आने वाली। हम पहले से ही अंदर हैं। तो बच गई। अब क्या करेंगे हम? जाओ उसे लेकर आओ। तुम्हारा मास्क कहाँ है? हम उनका खून करने वाले हैं। क्या बात की है तुमने?
मगर मुझे मांस पसंद है। जाओ अब, पहले हमें अंदर आने दो। बेवकूफ, तुम्हें लगता है वो अंदर आ जाएंगे? अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस घर में? नहीं, हमें हमें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिट, क्या हुआ? तेरी से निशाना चूक गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम देखना, वो हमारा पूरा प्लान चौपट कर देगा। मैं सब संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये दरवाजा डैड ने नया लगवाया है। तो क्या हुआ? तो ये दरवाजा बहुत महंगा है, अगर टूटेगा तो बहुत नुकसान होगा। महंगी चीजें तोड़ने का अलग ही मजा है। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, अपने हाथ मेरे पास मत लाओ। अगर तुमने एक भी खिड़की तोड़ी या फिर दरवाजा तोड़ा तो डैड मुझे मार डालेंगे, उन लड़कियों से पहले मेरी मौत हो जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। आए हैं, चीजें उथल पुथल तो होंगी ही। देखो, अगर सब कुछ शांति से हो जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तोड़फोड़ हुई तो डैड से मैं बात नहीं करूंगा। देखो, तुम्हारा भाई अंदर है, उसके पास घर की चाबी है और उसके पास दिमाग के नाम पर गोबर है। अगर हमने अंदर जाने का जल्दी कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो हर चीज तोड़ देगा। हाँ, अब ये कौन है? छुप जाओ। चला गया वो। शुक्र है, ये मेन डोर की आवाज है। हम बच गए। क्या? शायद पुलिस हमें बचाने आई है। सर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अगर वो उनमें से एक होता तो अंदर आ जाता। शायद वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ कोई है? मैंने कहा था ना, वो चले गए, ये पुलिस ही है। नहीं सारा, मत जाओ। मैंने कहा था ना, वो चले गए, खतरा हो सकता है, वहाँ मत जाओ। वहाँ जाना ठीक नहीं है। सारा, सारा, वेट। तुम पुलिस नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैंने तुम लोगों को हजार बार फोन किया था, मैं आकर रास्ता भूल गया था। तुम लोगों ने एक चिकन पिज्जा ऑर्डर किया था ना? मैंने किया था। ओके, तो मेल को मुझे $2,250 के साथ टिप भी देनी है। मेल, आप नहीं रही। मुझे लगा ही था मेल मर गई और मैं पुलिस तो नहीं। तो क्या तुम लोग मुझे इसके पैसे दे सकते हो जिससे मैं यहाँ से जा सकूँ? मेरा बॉस मुझे पूरे शहर में घुमा रहा है सुबह से, और तुम लोगों हो कि इन पहाड़ों पर रहते हो जहाँ पहुँचना है इतना। अंदर आओ जल्दी। मजाक मत करो, मुझे पैसे दे दो बस। जल्दी अंदर आओ। भूत तेरी। ओ शुक्र है तुम ठीक हो। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा था पुलिस आई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, यहाँ चल क्या रहा है? वो लोग हमें मारना चाहते हैं। तो तुम लोग सामने के दरवाजे से भाग जाओ। उन्होंने इस घर को घेर लिया है। मगर वो सही कह रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। और मुझे बास्केटबॉल आता है। हो गया, हो गया। तुम क्रिकेट खेलती हो? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, और क्यूट लड़की बास्केटबॉल खेलती है। क्या तुम इसका मतलब नहीं समझी? क्या मतलब है पिज्जा बॉय? मतलब सब तेज भाग सकते हैं। अच्छा रुको रुको रुको, अब क्या? मैंने बाहर एक बेसबॉल बैट देखी है जो हमारा इंतजार कर रही है। देखो, तुम लोगों को जो भी करना है तुम कर लो, मुझे अभी दो डिलीवरी और करनी है, और अगर 30 मिनट में नहीं पहुँचा तो फंस जाऊंगा। इसे क्या हुआ? सारा, मैंने पिज्जा में कुछ नहीं मिलाया था। एंजी, सारा ने कितनी पी ली थी? अरे हाँ, वो शैंपेन। सारा उठो, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, पल्सेस वीक है। एंजी, सारा, सारा उठो, सारा उठो, सारा। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्त के लिए हमदर्दी है, पर हमें यहां से निकलना चाहिए। एंजी,
मेरे ख्याल से सब ठीक है, सब ठीक है। चलो अभी यहां से निकल लें। ए पिज़्ज़ा बॉय, तुम्हारी टिप तो तुम भूल ही गए। रुक जाओ पिज़्ज़ा बॉय। सारा हे, ये तो मेरा नाम है। क्या सच में? फिर तो ये तुम्हारे लिए ही है। चलो। मेरी जीभ कट गई। अब इससे बच। टायर पंचर कर दिया है। नहीं। अरे हाँ, मैंने कर दिया है, इधर उधर देख लो। वैसे तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारा नाम क्या है? सेरा। ओह, खेल खत्म हो गया है। तुम मरने वाली हो। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओगी तुम। शिट, तुमने मेरी आंख फोड़ दी। सेरा, मुझे इस आंख से दिख नहीं रहा। मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो सेरा। हाँ, खेल खत्म हुआ। कैसा महसूस हो रहा है सेरा? लगता है कि सारा ठीक होगी। कार स्टार्ट होने की आवाज तो मैंने नहीं सुनी। शायद वो भाग गई होगी। हो सकता है। क्या इससे काम हो जाएगा? पता नहीं, इससे काम हो जाना चाहिए है ना? मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो। और कितने लोग हैं? पता नहीं, एक ही हो या फिर और भी लोग हो सकते हैं, पर मैंने नहीं देखा। उन्होंने अब तक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कैसे नहीं की? किट,
आंखें बंद करके थोड़ा आराम कर रही हूं। तुमने उस लड़के को मार डाला, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। अगर उसे मौका मिलता तो वो हम दोनों को मार डालता। क्या तुम ठीक हो? मैं हमारे उस ट्रिप के बारे में सोच रही हूं जब हम मॉम डैड के साथ गए थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं और उस समय भी मैं झूठ नहीं बोल रही थी। I miss you too. साल में एक दो बार डैड से बात हो जाती है, छुट्टियों में या जन्मदिन पर। तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर फोन तक नहीं किया था। उस दिन मैं तुम्हारा नंबर देखती रही पर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। एंजी, हम कितने पागल हैं, हमने अपना फोन गाड़ी में रखा है। हाँ, सच कह रही हो। मुझे जाना चाहिए, मैं जा सकता हूँ, मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझे तो अस्थमा है। खूनी अस्थमा के मरीज थोड़ी होते हैं। खून की प्लानिंग के वक्त मेरी जेब में चाकू के बजाय ये इन्हेलर था, और मेरी गाड़ी भी कितनी साफ सुथरी और अच्छी है। खूनियों की गाड़ी इतनी साफ सुथरी नहीं होती है, और मैं ड्राइव करते वक्त फोन यूज नहीं करता। वैसे मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं किससे बात कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जाना है, बस जाना है, अभी के अभी जाना है। लेकिन अब तो मुझे उन्हें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ और कौन हूँ। या तो मैं उन दोनों लड़कियों को मार दूँ, या मैं खुद ही मर जाऊँ। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, इन सब चीजों से बच जाऊंगा, या फिर मैं शॉटगन का इस्तेमाल करूँ, वो बहुत इफेक्टिव होती है। वो दोनों झट से मर जाएंगी और मेरे हाथ में उनका खून भी नहीं लगेगा। चलो फिर, गाड़ी निकालता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ। मैं जा सकता हूँ। मैं चाकू यूज करूंगा, जैसे ही मारूंगा तुरंत वो वहीं के वहीं मर जाएगी, और फिर मैं उसकी लाश को वहीं आराम से किनारे रख दूंगा, वही अच्छा होगा। तुम एक खूनी लग रहे हो। अब मैं थोड़ी देर अपनी आंखें बंद रखूंगा और फिर मैं अंदर जाकर उन लड़कियों को मार दूंगा। बस मैंने ये पहले नहीं कहा, लेकिन मुझे माफ करना कि मैं इतने वक्त से तुम लोग से दूर हूं। काफी मुश्किल था। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। कितना प्यारा है, तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा था, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद है। डैड चाहते थे मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर जाऊं। वो मुझसे बहुत निराश होंगे। क्यों? मैंने उन्हें क्रिसमस के वक्त फोन नहीं किया। तुमने डैड से क्रिसमस के बाद बात नहीं की? मैं बहुत बिजी रहा करती थी। कैसे हैं वो, कैसी तबीयत है? उनकी हालत खराब होती जा रही है, कुछ ही दिन पहले पता चला। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। वो मुझसे नफरत करने लगे होंगे। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। अगर वो मुझे यहाँ आने की रिक्वेस्ट नहीं करते तो मैं आती ही नहीं। ओह, अच्छा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस... क्या मतलब था तुम्हारा? मैं यहाँ आना चाहती थी, डैड हमें खुश देखना चाहते हैं, पता है ना? तुमसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि प्यार करता है, और ये तो तुम्हें पता है ना?
मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जाग रही हूँ, ठीक है? सुबह होते ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, अब सो जाओ। अगर कुछ भी होगा तो मुझे उठा दोगी ना? हाँ। कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा सपना आया, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर हम यहां से सही सलामत निकले तो मैं डैड से मिलना चाहूंगी। हाँ, हम जरूर मिलेंगे। यहां से हम निकल सकते हैं? हम यहां से भाग नहीं सकते। नहीं, अगर सारा वहां से नहीं निकली होगी तो इसका मतलब है कि गाड़ी खराब हो गई है, मगर बचने का कोई ना कोई तो। क्या हुआ? हमें पता भी नहीं हम कहां हैं। अभी तुमने कहा ये पहाड़ चढ़कर कोई नहीं आएगा। वो यहां गाड़ी से आए होंगे। उनमें से किसी एक के पास गाड़ी की चाबी होगी। हाँ, किसके पास होगी? शायद जो घर आया है। अगर उसके पास घर की चाबी है तो गाड़ी की चाबी होनी चाहिए। उसी के पास चाबियां होंगी। हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। वाह, ये पूरी रात ऐसे ही था? अजीब बात है, क्या ये अजीब नहीं लग रहा? ये अभी भी जिंदा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसके सिर को तो देखो। जल्दी करो केट, इसकी जेब में सिर्फ कचरा भरा है। इन्हें ढूंढ रही हो क्या? वैसे ये काम बहुत आराम से होने वाला था, मगर तुम लोगों ने सब चौपट कर दिया। और मेरा यकीन करो, ये घटिया प्लान मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी अब मुझे तुम लोगों को मारना तो पड़ेगा ही, क्या करूं? तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिमाग की इस वक्त क्या हालत है। तुम लोगों को मारूं या ना मारूं, ये सोच सोचकर मेरे दिमाग का तो दही हो गया है। प्लीज इस काम को मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ, डील? तुम बिना मतलब इसमें फंस रहे हो। मेरी बात को समझो, तुमने देखा तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल हुआ? तुम्हारे दोस्तों की हालत तुमने देखी ना? वो मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा थे। एक बार में नहीं निकलता है। आई एम सॉरी, ये नया है तो। तुम यहां से भाग जाओ, मैं संभाल लूंगी। इतनी तेज मत भागो, हमारी तो डील हो गई थी ना। मैं खुनी हूँ, मैं खुनी हूँ, मैं खुनी हूँ, मैं मारूंगा।
ऐसा क्यों कर रहे हो? पानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे छूना मत। क्या तुम मुझे मेरे अंदर से बाहर निकाल सकती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरी तलाक गई, मैं अब नहीं बचूंगा। मुझे पता है तुम कुछ गलत नहीं करोगे जिमी, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास और कोई चारा नहीं था, उसने हमसे जबरदस्ती करवाया। तुमसे किसने करवाया? हम इंतजार कर रहे थे कि तुम कब वो शैंपेन पियोगी, पर टेरी जल्दी अंदर चला गया और उसने सारा प्लान खराब कर दिया। मैं झूठ नहीं कह रहा, पर मैं यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने आखिर किया क्या? मैं तो बस एक नौकर हूँ। तुम लगते तो नहीं हो। होटल कैलिफोर्निया में, वो मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरे डैड उसके मालिक हैं। मैं जानती हूँ होटल कहाँ है, पहले हम वहीं रुकने का सोच रहे थे, पर मेल को बीएनबी काफी सस्ते प्राइस में मिल गया। इस बात से मेरे डैड का दिल टूट गया, मगर वहाँ का प्राइस काफी ज्यादा है। यही बात मैं डैड को समझाता रहा। मगर तुमने कहा था कि वो घर भी तुम्हारे डैड का है। है। मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, कभी कभी मुझे सच और झूठ में फर्क समझ नहीं आता। क्या? मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए गाड़ी की डिग्गी में एक तोहफा है, और वो होटल यहाँ से दूर नहीं है। डैड को लगा था तुम मर जाओगे। पता नहीं वो मुझे देखकर क्या कहेंगे। अच्छा तोहफा है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। होटल कैलिफोर्निया, क्या हम अंदर जाएंगे? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ डैड, उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही काम खत्म होगा वो मुझे फोन करेंगे। हाँ मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि काश हम उसे नहीं मारते, क्योंकि वो लड़की बहुत हॉट थी। हाँ वही जिसने वो जगह लेने की बात कही थी, अगर उसको मारा नहीं होता तो मैं उसे। डैड एक मिनट रुकिए। हाय। तो कितने लोग मारे तुमने? सबको मार डाला। और कुछ तो हमने भी मारे हैं। तुम हमारा पीछा कर रहे थे ना? कौन हो तुम? मैं इस मोटेल का मालिक हूं। जिमी के डैड,
उससे ये काम करवाना आसान नहीं था। टेरी और क्रिस्टन दूसरी तरफ ज्यादा एक्साइटेड थे। पहले का वक्त बहुत आसान हुआ करता था। मैं यहीं पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ। जो मेहमान यहां आते थे मैं उनके लिए काम करता था। मेरा परिवार इसे कई सालों से संभाल रहा है। कितने सारे लोग यहां आते थे, हर उम्र के। अब इस काम को मेरा बेटा संभालेगा, जिमी टीनो। अगर उन्हें ये जगह चाहिए तो कुछ अलग हट के करना होगा। तुम शहर के लोगों को लगता है कि हर चीज तुम्हारी है और तुम लोग हमें भूल जाते हो। हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करते हैं और तुम हमारी शक्लें भूल जाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बर्बाद कर दोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ब्रिस्कमन को कुछ नहीं होगा। LABNB बकवास। कौन चाहता है कि उसके घर में आकर अजनबी रहें? कौन अपने घर को ऐसे बर्बाद होते देखना चाहेगा? और वो काम हम करते हैं क्योंकि हमें पसंद है। ये हमारा पेशा है, हमारी खुशी भी। हम मेहमानों को 2 से 3 रात सुकून से रहने देते हैं, फिर टीवी और 6 से 10 के बीच नाश्ता। तुम लोग हाथ हिलाते हुए यहां से चले जाते हो और हमें तुम्हारी फिक्र होती है। तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ लोग अपने कपड़े भी सोच समझ कर उतारते हैं, नहाते वक्त भी चप्पल पहनकर नहाते हैं। और तुम्हें लगता है कि लोगों को यहाँ रहना पसंद है? ऐसा नहीं है। जानती हो मैं यहाँ कितने साल से हूँ बेवकूफ? मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम जानती हो यहाँ कितने मेहमान रह चुके हैं बेवकूफ? मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं इस मोटेल को पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। तुम्हें इसे छीनने का अधिकार किसने दिया? जिन लड़कियों को तुमने मरवाया उनके भी परिवार हैं, उनकी भी जिंदगी है। इसके पीछे एक वजह है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये सब करके तुम्हें क्या मिला? पैसे? मानना पड़ेगा तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है लेकिन तुम नहीं। जिंदगी एक जंग है। मुझे ये आइडिया एक न्यूज से आया। एक ड्राइवर जो अपनी मालकिन के साथ रेप करता पकड़ा गया। वो खबर फैल गई थी, रेप की बातें फैल गई थी। अब तुम खुद सोचो एक बार, अगर हम ऐसी न्यूज बनाते तो LABNB का नाम डूब जाता और वहां जाना कोई पसंद नहीं करता। हमें अपनी जनरेशंस के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तुमने ये सब सिर्फ खबरों में आने के लिए किया? दर्दनाक खबर बनाओ, समय पर निकलो और सारी न्यूज जनता तक पहुंच जाएगी। हमें सिर्फ एक बात पता है कि न्यूज बिकनी चाहिए। आखिर तुम हो कौन? मैं किलर केट हूं। तुम खून से लथपथ हो। है तुम्हारी पार्टी खराब करने के लिए मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मगर हमें मेल और सारा के परिवार वालों को बताना होगा। सारा की अभी अभी शादी हुई थी। अंतिम संस्कार स्कूल में भी सबको बताना होगा।
इस बात का जवाब हमें ही देना पड़ेगा। मैं ट्रेट से मिलने के लिए बेताब हूँ। ट्रेट कौन है? वही मेरे ऑफिस का लड़का। मैंने जिनको मारा है उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा? मुझे तो पता भी नहीं कोर्ट में क्या क्या होता है। तुम बस अपने आप को बचा रही थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो डैड से मिलने चलें। हाँ you give my heart with your